नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे संगठनों के बारे में, महत्वपूर्ण संगठन देख रहे हैं। तो इसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी GCC के बारे में, और इसमें बात करने वाले हैं UNDP के बारे में, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक, तो याद रखिए, इसकी स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1965, 1965 में। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में। कहाँ है इसका मुख्यालय? न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई 1965। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। याद रखिए, संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक विकास कार्यक्रम का एक हिस्सा है। ठीक है, और 170 देशों से ज़्यादा देशों में ये अपना काम करता है। इसके उद्देश्यों की बात करें हम लोग UNDP के, देशों के हित, देशों के नीति निर्माण, नेतृत्व क्षमता, संस्थागत क्षमता विकास में सहयोग करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक, इसके प्राथमिक क्षेत्रों की बात करें, प्राथमिक क्षेत्रों में सहयोग, सतत विकास, लोकतांत्रिक शासन एवं शांति स्थापना करना, जलवायु एवं आपदा प्रबंधन इसके प्राथमिक क्षेत्र हैं, लैंगिक समानता और मानवाधिकार की रक्षा करना इसके उद्देश्यों में शामिल हैं। इसके प्रमुख कार्यों की बात करें UNDP के, गरीबी के हर रूप का उन्मूलन करना इसके कार्यों में शामिल क्या क्या है? गरीबी के हर रूप का उन्मूलन करना, संस्थागत बदलाव को बढ़ावा देना, आपदा के लिए तैयारी करना इसके प्रमुख कार्य हैं। ठीक, इसके प्राथमिक क्षेत्र देखते हैं अब। UNDP के प्राथमिक क्षेत्र, सतत विकास, लोकतांत्रिक शासन एवं शांति स्थापना, जलवायु एवं आपदा प्रबंधन, लैंगिक समानता, आपदा प्रतिक्रिया विकास। ठीक है, इसके प्राथमिक क्षेत्रों में शामिल है। अन्य प्रमुख बिंदु में शामिल है, प्रमुख बिंदु मानव विकास रिपोर्ट, तिथि वर्ष जारी करता है UNDP। याद रखना है आपको, क्या याद रखना है? मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? UNDP। ठीक है, सतत विकास लक्ष्यों को लागू करता है, वैश्विक लक्ष्यों को, UNDP आपका। ठीक, मैन स्ट्रीमिंग एस्लेशन पॉलिसी सपोर्ट अप्रोच तैयार करता है UNDP आपका। ये गरीबी उन्मूलन, पृथ्वी की रक्षा और लोगों की शांति और समृद्धि के लिए सार्वभौमिक घोषणा कर है। ठीक है, जनवरी 2016 से लागू हुए ये लक्ष्य 2030 तक UNDP की नीतियों को गाइड करेंगे। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, कई जगह सुना भी होगा, सतत विकास लक्ष्यों की कुल संख्या 17 है। अब इनमें कौन कौन से लक्ष्य हैं? वो 17 लक्ष्य कौन कौन से हैं, इन्हें याद रखना है, आपको पूछ लेता है कई बार। पहला है इसमें हर जगह से, हर रूप से गरीबी का उन्मूलन करना, हर जगह से, हर रूप से, हर रूप में जो भी गरीबी है उसका उन्मूलन करना। दूसरा है इसमें भूख खत्म प्रयास करना और खाद्य सुरक्षा, भूख खत्म करना, भुखमरी को खत्म करना। तीसरा है इसमें स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना। फोर्थ नंबर पर है इसमें चारवें, समावेशी और समान गुणवत्ता शिक्षा। ठीक, पांचवें नंबर पर लिंग समानता। छठवें नंबर पर है आपका स्वच्छ जल, साफ सफाई उपलब्ध कराना। सातवें नंबर पर सतत स्वच्छ ऊर्जा। आठवें नंबर पर सबके लिए उत्पादक उचित रोजगारी, सतत आर्थिक समृद्धि। नौवें नंबर पर है आपका लोकशील अवसंरचना, सतत समावेशी उद्योगीकरण। दसवें नंबर पर है असमानता खत्म करना। ग्यारहवें नंबर पर सतत सुरक्षित समावेशी शहरों का विकास करना। बारहवें नंबर पर सतत उत्पादन उपभोग सुनिश्चित करना।
नंबर पर जलवायु परिवर्तन, इसके प्रभावों से निपटने के लिए कार्रवाई करना। फिर 14 नंबर, महासागरों, समुद्रों, जलीय संसाधनों का सतत संरक्षण करना। 15वें नंबर पर स्थल पर जीवन से संबंधित है। फिर आपका 16, शांति न्याय मजबूत संस्थाओं से संबंधित। और 17 है सतत विकास लक्ष्यों के लिए वैश्विक साझेदारी, सतत विकास लक्ष्यों के लिए वैश्विक साझेदारी। तो ये था आपका UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में। ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग को देखेंगे।